एंड अगेन दिस इज सो अफोर्डेबल, बट मेरी माँ रानी पिंग बोलती है तो मैं भी रानी पिंग बोलती हूँ. बड़ा ही प्यारा लग रहा है यार, जैसे अजीब सी शर्म आ रही है यार. Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another exciting video. You guys love watching ethnic wear haul. ये मुझे समझ में आ गया है पुराने videos को देखकर और उसका response देखकर. तो festival season आ गया है तो इसे आप किसी भी festival, किसी भी occasion या फिर किसी की शादी में भी पहन सकते हो. और हाँ, मैं ना एक और चीज़ बोलूँगी कि I love Myntra और Myntra ना मुझे हर बार सरप्राइज कर देता है उसकी क्वालिटी से, उसके स्टाइल से. तो मेरे साथ आप लोग भी सरप्राइज होने वाले हो. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जो सबसे पहला आउटफिट है उसे मैं क्या बताऊँ, एकदम उसे देखते ही ना मैं एकदम ऐसे पगला गई थी. अब मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ ना कि उसे मैं दिवाली में पहनूँ या फिर नवरात्रि में पहनूँ या फिर किसी की शादी में पहनूँ. तो चलो मैं ना आपको ज़्यादा वेट नहीं कराती. फर्स्ट आउटफिट इज दिस ब्यूटिफुल कुर्ता सेट. ओ माई गॉड, Myntra छोड़ो, जो भी आप इधर उधर बड़े बड़े ब्रांड सुनते रहते हो ना, उसमें भी मैंने इस तरह का कुर्ता सेट इस प्राइस में तो बिल्कुल नहीं देखा है. तो मैंने ना इस कुर्ता सेट को पहनकर इंस्टा पे स्टोरी डाली थी और बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी को लाइक किया था और काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि यार ये कहाँ से लिया है और ये प्यारा लग रहा है. तो उन सब लोगों के लिए ये रहा वो कुर्ता सेट और मैंने उसे लिया है Myntra से. और मैंने ना इसीलिए स्टोरी डाली क्योंकि जब मैंने इसे पहना ना तो मुझे ऐसे अंदर से बहुत ही खुशी फील हो रही थी, तो मुझसे ना कंट्रोल नहीं हुआ. मुझे ना इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैंने ढूंढा है. कुछ ना ऐसी चीजें आ ही जाती हैं जो कि आपको बहुत ही सरप्राइज कर देती है. तो सबसे पहले ना मैं आपको इसका कुर्ता दिखाते के फ्रंट में ऐसा वीनेक बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी की है गोल्डन और सिल्वर कलर की, और सेम एम्ब्रॉयडरी यहाँ स्लीव्स पे भी है. और पूरे कुर्ते में आप देखोगे तो छोटे छोटे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है. और जब सूट ही इतना प्यारा है ना तो मुझे इसे ज्यादा एक्सेसराइज करके ना इस पे खर्चा नहीं करना और इस सूट का ना लुक नहीं ले लेना है मुझे. तो मैंने सिर्फ इसके साथ अपनी पिंक चूड़िया पहनी थी जो कि मैंने ना यहाँ पे एक लोकल शॉप है वहां से लिया था, आई थिंक 100 रुपीज में. मैंने ना Myntra में भी सर्च किया वेलवेट चूड़ियाज, वो काफी ज्यादा कॉस्टली लग रही थी, पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी. पर अगर आपके पास कोई लोकल शॉप है ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वहां से ले लो, आपको सस्ते में मिल जाएगा. इट वॉज लुकिंग स्टनिंग एंड माइंड ब्लोइंग. इसके साथ आपको ये पैंट मिलेगा, स्ट्रेट फिट पैंट, और इसमें पॉकेट्स भी हैं. एंड आई थिंक आजकल सारे ही कुर्ता सेट में पॉकेट्स आने लगे हैं, विच इज ग्रेट बिकॉज आई लव पॉकेट्स. और इसके साथ आपको मिलेगा ये प्यारा सा दुपट्टा जो की बहुत ही सॉफ्ट है. आई डोंट नो कैमरे में आपको समझ आ रहा है कि नहीं, बट दिस इज वेरी सॉफ्ट. पूरा जो दुपट्टा है ना वो ऐसे सिंपल सा है, और ये जो सिंपल दुपट्टे होते हैं ना उसको किसी के साथ भी पहन लो जाता है. देखो इसके साथ देखो जा रहा है ना. और इसमें ऐसे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है दुपट्टे के बॉर्डर में, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है. आई डोंट नो कैमरे में कैच होगा कि नहीं, बॉर्डर में ना ऐसे रेड कलर किया है और फिर पूरा पिंक है. इट्स सो रॉयल, सो क्लासी, वेरी रिच लुकिंग आउटफिट. इस कुर्ता सेट को मैंने लिया है एस साइज में और इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999. तो चलो इससे ज्यादा अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी इस कुर्ता सेट के बारे में. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फिट. तो जो नेक्स्ट फिट है उससे मुझे 0% उम्मीद थी, पर ये फिट मेरी एक्सपेक्टेशन से एकदम आगे निकला है. मैंने ना सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर ये इतना प्यारा लगेगा. सो दिस इज आवर ब्यूटिफुल कुर्ता इन सी ग्रीन कलर. और इसका जो कलर है ना वो देखो आप कैमरे में भी ऐसे शाइन हो रहा है, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट दे रहा है. अगर दूर जाओ तो अलग, लाइक पास जाओ तो अलग. इन स्लीव्स के पास देखो आप इसको, अगर मैं से मतलब से दो तीन शेड दिख रहा है. सी अगर यहाँ पे फोल्डिंग हो रहा तो कैसा दिख रहा है, अलग कलर दिख रहा है ना. तो कुछ तो है, डिफरेंट है. इस कुर्ता सेट को पहनने के बाद ना मेरे फेस पे एक अलग ही पिंक ग्लो आ रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है. आप देख सकते हो ऐसे फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी की गई है सिल्वर और पिंक कलर में, और यहाँ पे नेक के पास भी ना बॉर्डर में काफी काम किया गया है. जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगा और उसी ने मुझे अट्रैक्ट किया कि यार इस कुर्ता सेट को तो ट्राई करना बनता है. लाइक ये सी ग्रीन कलर में है और उसके ऊपर ये पिंक दुपट्टा, भाई बड़ा ही प्यारा लग रहा है यार. वेरी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन. एंड दिस कुर्ता सेट हैज शाइन व्हिच इज नॉट ऑडली शाइनिंग, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, और क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है. और इसका स्टाइल और अपीयरेंस इसे स्पेशल ओकेजंस के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है. एंड इसके साथ यू विल गेट दिस पजामीज जो की सी ग्रीन कलर में है. दिस इज इलास्टिक पजामी, और इसमें जो सेम कुर्ते का जो कपड़ा है ना वही यूज किया गया है, कुछ डिजाइन वगैरह नहीं है. बट आई डोंट थिंक इट्स नीडेड बिकॉज कॉन्ट्रास्ट भी है और यहाँ फ्रंट में भी डिजाइन है कुर्ते के, तो फिर पूरा ऐसा लुक चला जाएगा यार, कुछ ज्यादा ही लगेगा. क्योंकि कुर्ता और पजामी में काफी काम किया गया है, तो इसका जो दुपट्टा है ना वो सिंपल सा है बेबी पिंक कलर में. एंड यू गाइज नो आई लव पिंक कलर. इसका दुपट्टा इज वेरी सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट दुपट्टा है, लाइक इसको आप ऐसे लगा सकते, किसी के साथ भी अच्छा लगेगा. पिंक आउटफिट
देखो इस वीडियो में ना थोड़ा सा नॉइस आएगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं ना, तो मेरे घर के आसपास तो सब स्पीकर पे ना गाने चला देते हैं भगवान के, और तेज तेज चलाते हैं शाम के टाइम, और मुझे शाम के टाइम ही टाइम मिलता है वीडियो शूट करने का ऑफिस के बाद। सो यहाँ पे ऐसे ही बॉर्डर है। ओवरऑल आई लव दिस आउटफिट, फोटोज और वीडियो सब एकदम परफेक्ट आ रही थी इस फिट में, आप देख ही सकते हो ट्रायल वीडियो में। और इस कुर्ता सेट को मैंने लिया है एस साइज में, और इसका प्राइस है, यू वॉन्ट बिलीव इट कि मुझे कितना ऑफ मिला है, इसका प्राइस है 1438 और इसका ओरिजिनल प्राइस है 4561, तो इसमें मुझे मिला है 70% ऑफ। कैन यू बिलीव, मुझे पता नहीं क्यों इससे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि ना मैंने ऐसे कलर जो है ना ये सी ग्रीन कलर उतना कभी पहना नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था यार ये ओके ओके होगा, बट जो थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है बस इस वजह से मैंने ले लिया था, बट आई एम नॉट गोना लाई, आई जस्ट लव दिस फिट। सो द नेक्स्ट आउटफिट वी हैव इज दिस वन। मैं सच बताऊं तो मैंने सच में आई स्वेयर मैंने नहीं सोचा था कि ये मुझे इतना ज्यादा पसंद आने वाला है, इसे जब मैंने पहना तो मुझे ये इतना ज्यादा प्यारा लगा, स्पेशली इसके दुपट्टे की वजह से। और आपको पता है मुझे इसके दुपट्टे की वजह से ऐसा लग रहा था कि यार ये ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके दुपट्टे में ना ऐसे गोल्डन फ्रिल है, और पता नहीं क्यों उस इमेज में ना ये गोल्डन फ्रिल बहुत ही ज्यादा ऐसे चटक टाइप लग रहा था, ब्राइट लग रहा था, बट सामने से इट्स नॉट ब्राइट, सूदिंग क्लासी लगता है ना वैसा वाला गोल्डन है, और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये गोल्डन लेस फ्रिल ना एक्स्ट्रा ना लगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मुझे इस पूरे सेट में दुपट्टा ही इसका सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा है। सी इन द कैमरा, इसका फ्लोरल प्रिंट इज टू प्रिटी। मैं सजेस्ट करूंगी कि इसे आप ऐसे लो, अगर आप इसको नेक के पास ऐसे बंद कर दोगे ना, ऐसा कर दोगे तो इसका कुछ भी डिजाइन नहीं दिखेगा, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता यार, ये फ्रिल दिखना चाहिए, ये प्रिंट दिखना चाहिए फ्लोरल, तो इसको या तो ऐसे लो या फिर इसको आप ऐसे लो, इन दोनों में आपको जो भी पसंद हो। आई स्वेयर आई लव दिस दुपट्टा, जो मेरे ट्रायल पे आपको खुशी दिख रही ना मेरे चेहरे पे वो इसी वजह से है, क्योंकि मुझे ये सेट बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब मतलब देखकर समझ गए होगे मेरे चेहरे को कि मुझे कितना ज्यादा पसंद आ रहा है ये सेट। तो चलो अब हम इसका कुर्ता भी देख लेते हैं, दुपट्टे के बारे में काफी बातें हो गई हैं। फुल ऑन वर्क वाला कुर्ता मिलेगा आपको, यहाँ पूरे कुर्ते में एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है, और फ्रंट में ये वेस्ट तक डिजाइन गया है जो फ्रंट में बना हुआ है, छोटे छोटे एम्ब्रॉयडरी किया पूरे कुर्ते में, और यहाँ स्लीव्स के बॉर्डर में भी एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन है। मुझे ना प्रिंट वगैरह वाले काम ना उतने ज्यादा पसंद नहीं आते हैं, मुझे एम्ब्रॉयडरी के काम ज्यादा अच्छे लगते हैं। दिस एम्ब्रॉयडरी हैज अ बिट शाइन टू इट, जो कि एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, सीन द कैमरा हल्का हल्का शाइन कर रहा है ना। आई लाइक द कलर ऑल्सो ऑन मी, मेरे ऊपर ना ये कलर अच्छा लगता है। और इस कुर्ता सेट में ना इसके अलावा चार कलर्स और अवेलेबल है, एंड इसके साथ यू विल गेट दिस स्ट्रेट फिट पैंट, और पैंट के नीचे भी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है, वेरी डिसेंट एंड प्यारा, इसे आप फेस्टिवल पर पहन सकते हो, मैं तो इसे पक्के से नवरात्रि में पहनने वाली हूँ, मैं तो वेट नहीं कर सकती यार इसे पहनने का, शादी में भी आप इसे पहन सकते हो अगर आप इसे अच्छे से स्टाइल करो। इस कुर्ता सेट को मैंने लिया था एस साइज में, और इसका प्राइस है 1608 रुपीज। ओके गाइज, लेट्स सी नेक्स्ट आइटम ऑफ दिस हॉल। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, लुक एट दिस कलर, कितना प्यारा सा लग रहा है। बेसिकली जब मैंने इस कुर्ता सेट को पहना तब मुझे इतनी सुंदर फील आ रही थी, इतना प्यारा लगा। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड संग्रिया, इसका फैब्रिक इज कॉटन ब्लेंड एंड दिस इज कंफर्टेबल ऑन योर स्किन। मैं तो आपको यही बोलूंगी कि अगर ये आपको स्टॉक में दिख रहा है ना तो इसे ऑर्डर कर लो आंख बंद करके, बिलीव मी यू विल नॉट रिग्रेट, दिस कुर्ता इज परफेक्ट, आई प्रोमिस यू, यू विल लव इट एंड will get so many compliments। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस कलर के कुर्ता सेट मैंने नॉर्मली इतना देखा नहीं है, तो मेरी मम्मी ने जब इसे देखा ना तो बोलती है बेटा ये तो तू रख, क्योंकि पहली बात तो कलर बड़ा प्यारा लग रहा है तेरे ऊपर, और डिफरेंट कलर लग रहा है, और मुझे भी ना ये डिफरेंट लग रहा था, और इसका फिट इसका फील इट्स so rich and good, I love this green soothing color। This set has a pajama too, और ऐसे elasticated pant है ये, और यहाँ पजामे के end में ऐसे border दिया हुआ है, ऐसे green lining है, और फिर ऐसे golden lace का काम किया गया है। Quality is top notch, और यहाँ कुर्ते के front में ऐसे embroidery की गई है neck के पास, सी dark green light green color का ऐसे embroidery है, और यहाँ पे ऐसे golden thread का काम किया गया है ऐसे neck के पास, और ये जो same चीज है ना आप पूरे कुर्ते में देखोगे, और जो design आपको दिख
लिए वो ऐसे गई है, तो इससे ना स्लिमर इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पूरे कुर्ते में ना ऐसे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है छोटी छोटी सी, दिस हैज 3-4 स्लीव्स और यहाँ पे ऐसे गोल्डन लेस का काम किया गया है। और जो मेरा बैकग्राउंड है उसने तो 4 चांद लगा दिए इस आउटफिट में, क्योंकि मैंने ऐसे ग्रीन पहना है और बैकग्राउंड ऐसे ग्रीन ट्रीज है, ऐसे बहुत ही हरा भरा सा लग रहा है। सो यहाँ पूरा जो लुक है ना वो बदल ही गया बैकग्राउंड की वजह से। और ये रहा इसका दुपट्टा, इसका जो दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक का है, बट दिस इज सॉफ्ट ऑर्गेन्जा। कैन सी वैसे होते हैं ना हार्ड हार्ड से ऑर्गेन्जा होते हैं जो कि स्टाइल करने में बहुत डिफिकल्टी होती है यार उसे, कि कैसे स्टाइल करूं पूरा पिनअप करूं। और यहाँ बॉर्डर में ऐसे सी शेप पैटर्न है, पूरे दुपट्टे में ना ऐसे स्टार बना हुआ है, ऐसे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है। दिस कलर इज सो प्रिटी, आई डोंट नो बस क्यों नहीं है ये कलर। मुझे पता है पहले ना ग्रीन उतना पसंद नहीं आता था, पर इस कुर्ता सेट के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा ऐसे कलर और लूंगी, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना यार। मैं ना हमेशा पिंक लेती हूँ। ओह गॉड, आई जस्ट लव दिस एंड आई हाईली रिकमेंड दिस। और इस कुर्ता सेट को मैंने लिया है एस साइज में और इसका प्राइस है 1594। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फिट एंड दैट इज दिस वन। जो इस सेट में मुझे अच्छा लगा वो है इसका कलर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले ना हम इसका कुर्ता देखते हैं। तो कुर्ता ना इसका बिल्कुल सिंपल है, ऐसे बेज कलर में है एंड मुझे ना बेज कलर ना अच्छा लगता है। बेज के जो भी शेड होते हैं, व्हाइट, बेज, थोड़ा डार्क बेज, गोल्डन, वो ऐसे ना रिच, और उसको ना कहीं भी पहन सकते हो मुझे ऐसा लगता है। मतलब इसको आप डेली यूज में भी ले सकते हो, इसको नहीं ले सकते हो क्योंकि इसका जो दुपट्टा है थोड़ा सा ज्यादा वर्क है, बट अच्छा रिच और क्लासी लुक आता है। यहाँ पे आप देखो ना तो गोल्डन लेस का काम किया गया है नेक के पास, एंड नेक इज बिट डिफरेंट, ऐसे कॉलर नेक बना हुआ है। और सेम चीज स्लीव्स के ऐसे बॉर्डर में भी, और सेम चीज यहाँ कुर्ते के नीचे भी यही लेस का काम किया गया है। और क्योंकि जो इसका दुपट्टा है ना वो इसे ओवर पावर करे, इस वजह से कुर्ता इसका सिंपल रखा है। दिस इज द प्रिटी दुपट्टा इन दिस सेट। भाई कैमरे में आते कैसा लग रहा है। सो दिस इज इन बंधेज पैटर्न और इसके बॉर्डर में ऐसा लेस का काम किया गया है, गोल्डन लेस का, ऐसे सी शेप में। और ये दुपट्टे के ना दोनों एंड पे है और बस इतना ही, छोटा छोटा आप देखोगे ना ये ऐसे गोल्डन थ्रेड का काम किया गया है। परफेक्ट फॉर दिवाली, नवरात्रि, क्योंकि यहाँ पे बंधेज वाला पैटर्न है एंड नॉर्मली नवरात्रि के टाइम पे ना लोग बंधेज पैटर्न ज्यादा प्रेफर करते हैं। इवन फॉर शादीज ऑल्सो दिस इज परफेक्ट। अभी नवंबर दिसंबर में बड़ी शादियां आने वाली है, तो इसको आप खरीद के ऐसे रख सकते हो, किसी की शादी हो तो उसे पहनकर जा सकते हो। इस कुर्ते सेट का नेक भी काफी प्यारा है, यूनिक है एंड डिफरेंट। एंड दिस सेट हैज अ सेम पजामी, सिंपल सा है, बस पैंट की नीचे ना वही गोल्डन लेस का काम किया गया है जो कि कुर्ते के ऐसे बॉर्डर में किया गया है। एंड द कपड़ा इज सो सॉफ्ट और इसको जब आप पहनोगे ना तो आपको फील होगा द क्वालिटी इज टॉप नॉच, द फैब्रिक इज सुपीरियर क्वालिटी। एंड द दुपट्टा इज इन प्यारा रेड, दिस इज नॉट ब्राइट रेड जो कि आपको ऐसे आंखों को चुभे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा अजीब तो लग रहा है, जब इस सेट को मैंने पहना ना तो मुझे ना ऐसे नई नवेली बहू वाली फीलिंग आ रही थी इसे पहनकर। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर अभी मेरी शादी हुई होती ना तो मैं कुछ ऐसा ही पहनना प्रेफर करती, कि साड़ियाँ ना तो मुझे पहनना आता है ना ही उसे कैरी करना आता है। अब ना मुझे अजीब सी शर्म आ रही है यार। चलो शादी की बातें हो गई, अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो प्राइस है वो है 1611 और इसका ओरिजिनल प्राइस है 8950 और इसमें मुझे मिला है, कैन यू बिलीव, 82% ऑफ, मतलब 80 से भी ज्यादा ऑफ मिला है मुझे इसमें। और इसे मैंने लिया है एस साइज में। लेट्स सी आवर नेक्स्ट प्यारा सा आउटफिट। दिस इज अगेन सो प्रिटी एंड द कलर इज सो गुड एंड द डिजाइन इज, चलो दिखा ही देती हूँ कि कौन सा आउटफिट है। तो वो है ये आउटफिट जो मैंने पहन कर रखा है। आपने सोचा नहीं था ना मैं अभी दिखाऊंगी बीच में। तो ये है वो आउटफिट। आई नो मैंने काफी सारी पिंक चीजें मंगाई है इस बार, बट आई फील पिंक ना सबके ऊपर अच्छा ही लगता है। अगेन मुझे इसकी कुर्ती बहुत ज्यादा पसंद आई। आई लव दिस फ्रंट की डिटेलिंग और यहाँ पे ना ऐसे मिरर वर्क किया गया है, जो जब ऐसे मूव करो ना तो हल्का हल्का शाइन हो रहा है। यहाँ पे मिरर वर्क भी किया है और एम्ब्रॉयडरी भी की गई है। आई जस्ट लव इट। मुझे ना ऐसे ज्यादा चमचम ना ऐसे पसंद नहीं आता है, ऐसे मिरर वर्क किया हो थोड़ा बहुत और फिर थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी की गई हो तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसे मैंने स्पेशली इसके वीनेक की वजह से लिया और कलर की वजह से तो लिया ही, पर इसका वीनेक मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, बिकॉज अभी आप जितने भी कुर्ता सेट है ना उसमें आप किसी में भी ना वीनेक नहीं देखोगे। मतलब मैंने ना नॉर्मली एथनिक में ना वीनेक नहीं देखा, ऐसे पाकिस्तानी सूट वाली वाइब दे रहा था मुझे ये पहनने के बाद। काफी फेस्टिव वाइब है इस कुर्ता सेट की भी। इसके साथ यू विल गेट दिस स्लिम स्ट्रेट फिट पैंट जो कि सिंपल सा है, इसी कलर में जिस कलर का ये कुर्ता है, इसमें कुछ भी डिजाइन नहीं है। दिस इज इलास्टिकेटेड पैंट। इसका जो दुपट्टा है ना वो बहुत प्यारा है। तो ये है वो दुपट्टा, व्हाइट और पिंक का शेड है इस दुपट्टे में। व्हाइट में ऐसे फ्लोरल प्रिंट्स बने
हुए हैं और बॉर्डर में ऐसे पिंक कलर है और बॉर्डर ना ऐसे सी शेप पैटर्न में है। बॉर्डर में भी आप देखोगे ना तो ये हल्का हल्का शाइन कर रहा है क्योंकि सिल्वर कलर का ऐसे लेस लगा हुआ है, ऐसे ऑम्ब्रे इफेक्ट आ रहा है। इसको आप विदाउट दुपट्टा भी पहन सकते हो, ट्रायल वीडियो में आप देख सकते हो, ऐसा कुछ अजीब या फिर मिसिंग नहीं लग रहा है। आई लाइक दिस कलर, आई लाइक एवरी शेड ऑफ पिंक। इसे मैंने लिया है एस साइज में और इसका प्राइस है 1499 रुपीज ओनली। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आगे के कपड़े ऐसे शूट करूँ। आई वॉन्ट टू शो यू गाइज दिस वी नेक। और ये मिरर और एम्ब्रॉयडरी का काम इसने भाई चार चांद लगा दिए हैं इस फिट पे। ओके गाइज, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आइटम। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना क्योंकि ना सारे ही कपड़े, मतलब ऐसा होता है ना कि आप कभी कभी कुछ ऑर्डर करते हो, कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है, उसमें कुछ आपको पता होता है कि यार ये तो अच्छा लगेगा, पर सारे ही कपड़े बहुत अच्छे आए हैं यार, तो अंदर से एकदम खुशी हो रही है मुझे। तो ये जो आउटफिट है ना वो भी बहुत प्यारा है, इसको मैं रख ही रही हूँ। तो अगर आपको भी, पहले मैं दिखा देती हूँ यार, मैं ना बहुत सस्पेंस बनाने लगी हूँ आजकल। तो ये है वो कुर्ता सेट इन रानी पिंक कलर। मेरी मम्मी इसको रानी पिंक कलर बोलती है, आई डोंट नो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट मेरी माँ रानी पिंक बोलती है तो मैं भी रानी पिंक बोलती हूँ। इस आउटफिट को मैं रख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसे तो मैं पहनने ही वाली हूँ। टू कंसिडर दिस वन अगर आपको भी इस तरह का स्टाइल पसंद है तो, बिकॉज आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ फिट। इसकी स्टिचिंग, इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा प्यारी है। जब मेरी मम्मी ने इस सूट को देखा ना तो वो बोलती है बेटा ये 1500 रुपीज के अंदर तुम्हें मिल गया, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि आप सोच रहे हो मेरी मम्मी बोल रही कि 1500 के अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो काफी सारे कपड़े खरीदे हैं, तो उन्हें आइडिया है कि अगर इस क्वालिटी का कपड़ा 1500 के अंदर मिल सकता है कि नहीं। क्वालिटी इज टॉप नॉच। ये ऐसा लग रहा है ना कि ये आराम से 3K या 4K का होगा। और ये आउटफिट क्या लग रहा था, और नेचुरल लाइट में मैंने ट्रायल शूट किया है तो नेचुरल लाइट में पता चलता है कि जब आप इसे बाहर पहनकर जाओगे ना तो कैसा लगेगा। ये इसमें ना कुछ भी चीप लुकिंग नहीं है, दिस चैपी कुर्ता सेट। यहाँ पूरे कुर्ते में ऐसे गोल्डन प्रिंट किया गया है, ये गोल्डन प्रिंट ना निकलेगा भी नहीं। और यही गोल्डन प्रिंट ना कुर्ते के बैक में भी है और फ्रंट में भी है। ये साइड में ऐसा कट है और कट के बगल में ना ऐसा गोल्डन लेस का काम किया गया है नीचे की तरफ भी। एंड विद दिस यू विल गेट दिस स्ट्रेट फिट पैंट। दिस इज इलास्टिकेटेड पैंट विच इज वेरी कम्फी एंड फ्लोई। एंड इसके साथ यू विल गेट दिस प्यारा सा दुपट्टा। बस यही काम किया गया है दुपट्टे के चारों तरफ। और इस दुपट्टे को ना आप किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते, ये फायदा होता है सिंपल दुपट्टे। इसके साथ भी इसमें स्टाइल कर लिया, ऐसा लग रहा है क्या कि ये दूसरे कुर्ता सेट का दुपट्टा है। सिंपल दुपट्टे को आप किसी के साथ भी स्टाइल कर लो, मस्त लगता है। मैंने जब इस सेट को पहना ना तो अच्छा लग रहा था, पर जब मैंने इसके साथ अपनी चूड़ियां पहन ली, बिंदी लगा लिया और फिर झुमके पहन लिए, तब उसके बाद भाई क्या लुक आया उसके बाद। मैं सच बता रही हूँ, बस पहनो मत, अच्छे से स्टाइल भी करना, क्योंकि एथनिक वेयर में यार ये बिंदी चूड़ी झुमके इससे ही तो अच्छा लगता है। वैसे मैं सच बताऊँ, मुझे ना बिलीव नहीं हो रहा है कि कोई कुर्ता सेट इतना प्यारा कैसे हो सकता है। और मुझे ना बहुत खुशी भी मिल रही है क्योंकि ना मैं मिंत्रा में कम से कम 4 to 5 hours तो स्पेंड करती हूँ इन सबको ऑर्डर करने से पहले, और जब वो अच्छे आ जाते हैं ना तो बहुत खुशी होती है यार। इफ यू लाइक इट ऑर्डर इट बिफोर इट गोज आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि इसकी रेटिंग है 4.3 स्टार और इसे रेट किया है 1800 लोगों ने, मतलब काफी सारे लोगों को ये सेट पसंद आया है। और इसे मैंने लिया है एस साइज में और इसका प्राइस है 1190। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आउटफिट। एंड नेक्स्ट आउटफिट इज इन बेज कलर एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड इंडो एरा। अगर आपने पुराने हॉल देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे इंडो एरा ब्रांड काफी ज्यादा पसंद है, तो क्वालिटी के लिए तो मैं डाउट ही नहीं करती उस ब्रांड पे, क्योंकि मैंने उसके जो कुर्ते हैं ना उनको पहन पहन कर बहुत बार धो चुकी हूँ मैं। ना ही कलर उसका गया है, ना ही इसकी क्वालिटी खराब हुई है। और कुछ कुछ कुर्ते होते हैं ना जिससे ऐसे रुए रुए से निकलने लगते हैं 3-4 washes के बाद, तो वैसा भी नहीं हुआ इस ब्रांड से अभी तक। और दूसरी अच्छी चीज है कि महंगा भी नहीं है, अफोर्डेबल है और स्टाइलिश भी होते हैं इसके कपड़े, मुझे वो चीज भी अच्छी लगती है। प्लस इनके पास ना वैरायटी भी होती है, तो इस वजह से आई रियली लाइक दिस ब्रांड। मुझे जो इस कुर्ता सेट में जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसका कुर्ता। इसके फ्रंट में आप एम्ब्रॉयडरी देखो, ऐसे रस्टिक ऑरेंज, बेबी पिंक कलर, ग्रीन कलर का ऐसे एम्ब्रॉयडरी किया गया है और ये एम्ब्रॉयडरी आपके वेस्ट तक जाए। 3-4 sleeves है और स्लीव्स पे यहाँ रफल वाला पैटर्न दिया हुआ है। ऑल दी कलर्स यूज्ड इन दिस एम्ब्रॉयडरी आर सो सूदिंग एंड क्लासी। दिस सेट इज एलिगेंट एंड रिच लुकिंग। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इस हॉल में जितने भी कुर्ता सेट है इस कुर्ता सेट की सबसे अच्छी रेटिंग है। इसकी रेटिंग है 4.2 एंड यू वोंट
बिलीव इट, मतलब मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है, इसे रेट किया है 8400 लोगों ने, मतलब इतने सारे लोगों को ये सेट पसंद आया है। मे बी ये पिक्चर्स में उतना खास नहीं लग रहा है, पर जब आप इसे पहनोगे ना, यू विल फॉल इन लव विद द सेट। और इस सेट में आपको मिलेगा ऑर्गेन्जा दुपट्टा। इस दुपट्टे में ऐसा फ्लोरल प्रिंट किया गया है, यहाँ पे आप देखो रोज बना हुआ है रेड कलर का, ग्रीन, येलो, और फिर यहाँ पे ऐसे लीव्स बनी हुई है। तो यार दिस इज वेरी प्रिटी दुपट्टा। और यहाँ बॉर्डर में आप देखो, यहाँ पे ना आप देखोगे स्टिचिंग की गई है, करेक्ट, और फिर ये अलग से एक कपड़ा लगाया है, तो उसकी वजह से ना सिर्फ फ्रिल वाला इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा सी शेप पैटर्न है और उसको अच्छे से पैक कर दिया गया है। बहुत सारे ब्रांड्स में मैंने देखा है कि जो ऐसे बॉर्डर होता है ना उसको अच्छे से पैक नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से जो उसके धागे होते हैं ना वैसे निकलते हैं और वहीं से कपड़ा खराब होता है, ऐसे धागे निकलते जाते हैं और कपड़े की क्वालिटी खराब होती जाती है। और मैंने इस सेट के साथ अपनी लैवेंडर कलर की वेलवेट चूड़िया पहनी थी। मुझे ना भी वेलवेट जो चूड़िया है ना उसमें ना सारे कलर चाहिए, अभी सिर्फ मेरे पास दो कलर है, पिंक और लैवेंडर, तो मैं उसमें ही ऐसे मिक्स करती रहती हूँ, कभी लैवेंडर कभी ये, सारे ही कलर चाहिए उसमें। इफ यू लाइक दिस स्टाइल डू गिव इट अ ट्राई एंड यू विल लव इट। और इसे मैंने लिया है एस साइज में और इसका प्राइस है 1699। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट आइटम ऑफ दिस हॉल। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कालिनी और इस हॉल में काफी सारे सूट हैं जो इस ब्रांड के हैं। आई मस्ट से आई एम इंप्रेस्ड विद द क्वालिटी। इसको पहनने से पहले मुझे ये काफी सिंपल लग रहा था किसी भी ओकेजन के लिए, पर जब मैंने इसे पहना तो फिर इसका जो असली लुक है ना वो आया। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है जो कपड़े होते हैं ना इसको जब पहनो ना तभी समझ आता है कि यार ये कैसा लगेगा। ट्रायल पे आप देख ही सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, इसका जो दुपट्टा है ना वो शिफॉन का है, इस वजह से ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। आई रियली लाइक द प्रिंट इन दिस दुपट्टा, इट्स वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का और फिर बहुत सारे ऐसे प्रिंट किया गया है जो कि सुंदर लग रहा है। इसको आप कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, ऐसे स्टाइल करना है ऐसे स्टाइल कर लो, ऐसे स्टाइल करना है तो ऐसे स्टाइल कर लो, ऐसे स्टाइल कर लो। और दुपट्टे के बॉर्डर में ना ऐसे गोल्डन लेस का काम किया गया है। ये है इसका कुर्ता, कुर्ते के फ्रंट में यहाँ पे ऐसा डिजाइन बना हुआ है और सेम डिजाइन यहाँ स्लीव्स पे भी दी हुई है। 3/4 स्लीव्स है इस कुर्ते की। इसका फिट, इसका कंफर्ट इज वाओ, दिस इज सो सो प्रिटी। आई जस्ट लव इंडियन वेयर एंड अगेन दिस इज सो अफोर्डेबल। और इसके साथ आपको मिलेगा स्ट्रेट फिट स्लिम पैंट। मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे ऊपर ये कलर ना अच्छा भी लग रहा है, आई थिंक इंडियन टोन पे ये कलर अच्छा लगेगा। इफ यू लाइक दिस स्टाइल जस्ट गो फॉर इट। और इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 9900 रुपीज ओनली, मतलब 1000 रुपीज के अंदर है। 1000 में आपको तीन सेट मिल रहा है। यू विल लव इट। इसको ऑर्डर करोगे ना तो आपको दुपट्टा ही सबसे ज्यादा पसंद आने वाला। और इसे भी मैंने लिया है एस साइज। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट आइटम। वैसे मैंने मिंत्रा की इतनी सारी तारीफ कर दी, पर देखो यार कोई भी चीज ना परफेक्ट नहीं होती, मतलब कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट? तो क्या प्रॉब्लम हुई है मैं बताती हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया था ये सेट और मुझे डिलीवर हुआ है ये सेट, टोटली डिफरेंट सेट। ये भी अच्छा है पर एज अ कस्टमर मैं चाहूंगी कि जो मैंने ऑर्डर किया है वही मुझे डिलीवर हो। तो चलो पहले जो डिलीवर हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मुझे ये सेट मिल गया मिंत्रा में तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई थिंक ये मिंत्रा से ही है। तो ये जो सेट है ना ये बहुत ही प्यारा, मुझे ऐसा लग रहा कि जो मैंने ऑर्डर किया था ना उससे भी काफी ज्यादा प्यारा है। इसका कलर भी आई लाइक इट और प्योर कॉटन का है भाई पूरा सेट। ये कुर्ता भी कॉटन का है, ये भी कॉटन का है और दुपट्टा भी कॉटन का है। तो सबसे पहले हम कुर्ता देख लेते हैं। पूरे कुर्ते में ऐसे डिजाइन है और कुर्ते के साइड साइड में आप देखो यहाँ पे लेस वर्क किया गया है और इस लेस में ऐसे हल्का सा प्रिंट है और यहाँ यहाँ पे ऐसे सिल्वर कलर का लेस है और सेम चीज यहाँ स्लीव्स पे भी है। एंड आई रियली लाइक द नेक पैटर्न। ये जो नेक डिजाइन है ये आपके वेस्ट तक जाएगा एंड द फैब्रिक इज प्योर कॉटन। साथ यू विल गेट दिस पैंट जिसका ऐसे डिफरेंट पैटर्न और डिजाइन है। पैंट है ना और जो दुपट्टा है उसका आप देखोगे सेम डिजाइन है, इसका इस डिफरेंट डिजाइन। पूरा ही सेट कॉटन का है ना तो इसको आप रेगुलर वेयर में भी पहन सकते। और ये आई थिंक मुझे डिलीवर हुआ है एम साइज में। लेट मी चेक, वेट, थोड़ा ढीला भी था ये बट मैंने ऐसे पिनअप कर लिया था। जब भी मुझे कोई सेट ढीला होता है ना तो मैं पीछे से ऐसे पिनअप कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर मुझे ये सेट पसंद आ रहा है तो अगर मैं इसको ऑल्टर कराऊं हल्का सा तो कैसा लगेगा। तो ये मुझे डिलीवर हुआ है एम साइज में, इस वजह से ये मुझे लूज है। सो ओके विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। अभी आई मेक श्योर कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंडियन वेयर हॉल बनाऊं क्योंकि अभी बड़े सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, नवरात्रि, दिवाली, फिर शादियां। बट उसके लिए आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो, अपनी बहन से, अपनी मम्मी से, अपने फ्रेंड्स से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज इट वुड मीन अ वर्ल्ड टू मी। ऑलराइट माय स्टार्स, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।